नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन जिसे हिंदी में हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सनल शब्द पर्सन से बनाया जिसका मतलब ही है व्यक्ति या प्राणी। पर्सनल प्रोनाउन की परिभाषा है वह प्रोनाउन जिससे व्यक्ति या प्राणी का बोध हो। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या प्राणी के नाम की जगह पर प्रयोग किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। यू आर प्लेयर्स, तुम खिलाड़ी हो। दे गो देयर, वे वहाँ जाते हैं। तो इन सेंटेंसेस को पढ़ने से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर आई, यू और दे ये किसी ना किसी व्यक्ति या प्राणी के नाम की जगह पर इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये आई, यू, दे क्या हो गए? पर्सनल प्रोनाउन हो गए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति या प्राणी के नाम की जगह पर इस्तेमाल किए गए हैं। पर्सनल प्रोनाउन के तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन यानी बात को कहने वाला, सेकेंड पर्सन बात को सुनने वाला, थर्ड पर्सन कोई अन्य व्यक्ति, कोई तीसरा व्यक्ति जिसके विषय में कुछ कहा जाए। जो ना तो फर्स्ट पर्सन है यानी ना तो बात को कह रहा है, ना ही सेकंड पर्सन है, ना ही बात को सुन रहा है, वो उसके बल्कि उसके विषय में कोई अन्य व्यक्ति कह रहा है, तो वो थर्ड पर्सन है। इसको हम टेबल के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, इस टेबल के माध्यम से हम पर्सनल प्रोनाउन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के अभी मैंने आपको बताया कि तीन पर्सन होते हैं और पर्सनल प्रोनाउन किसी सेंटेंस में तीन तरीके से काम करता है, यानी उसके फंक्शन भी तीन होते हैं, जिसको हम केस कहते हैं, कारक कहते हैं। तो तीन तरीके से किसी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन काम करता है। पहला केस है सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक, और तीसरा है पॉजिटिव केस यानी संबंध कारक या अधिकार कारक। तो हमें इन सात शब्दों को ध्यान रखना है, यही सात शब्द पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। पहला है आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये सात शब्द ही पर्सनल प्रोनाउन में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं सात शब्दों को जब सब्जेक्ट में इस्तेमाल करते हैं तो हम ये शुरू में लिखे हुए ये इस्तेमाल करते हैं, और जब ऑब्जेक्ट यानी कर्म में इस्तेमाल करते हैं तो इन्हीं सात शब्दों को हम इन शब्दों में बदल देते हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। और जब इनको पॉजेसिव में इस्तेमाल करते हैं तो हम माई, माइन, अवर, अवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर और देयर्स में बदल देते हैं। तो इस टेबल को आई थिंक आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इस टेबल के माध्यम से आप जो है पर्सनल प्रोनाउन को अच्छे से समझ सकते हैं। और इन तीनों केस के ऊपर हम अलग अलग विस्तार से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें समझाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बड़ी हो जाएगी और आप बोरिंग महसूस करेंगे। तो सब्जेक्टिव केस के ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस के ऊपर अलग, और पॉजेसिव केस के ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन के तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन यानी बात को कहने वाला, सेकंड पर्सन बात को सुनने वाला, थर्ड पर्सन कोई अन्य, कोई तीसरा व्यक्ति जो ना बात कह रहा है ना बात को सुन रहा है बल्कि उसके विषय में कोई बात कह रहा है। फर्स्ट पर्सन में आपके आई और वी आते हैं यानी मैं और हम, सेकंड पर्सन में आपका यू आता है, यू माने तुम या आप, थर्ड पर्सन में आपके ही, शी, इट और दे आते हैं, ही माने वह, शी माने वह, इट माने यह, दे माने वे। तो आई कॉमन जेंडर है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। वी भी कॉमन जेंडर है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यू भी कॉमन जेंडर है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ही पुल्लिंग है, ही पुरुषलिंग है, पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है, ही माने वह। और सी स्त्रीलिंग है, लड़कियों यानी स्त्रियों के लिए इस्तेमाल होता है, शी माने वह। इट नपुंसक लिंग यानी न्यूटर जेंडर है, नपुंसक लिंग है, निर्जीव वस्तुओं और प्राणियों के लिए इस्तेमाल होता है। और दे माने वे कॉमन जेंडर है और प्लुरल बहुवचन है, जो स्त्री पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये शुरू वाले शब्द जो है ये सब्जेक्टिव केस है यानी कर्ता कारक हैं, और ये ऑब्जेक्टिव केस हैं यानी इन्हीं को जब ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है तो इनमें इस्तेमाल किया जाता है, और इन्हीं वर्ड को जब पॉजेसिव में इस्तेमाल किया जाता है तो इनमें इस्तेमाल किया जाता है। इनको एग्जाम्पल के माध्यम से हम तीनों केस को यानी जो तीन फंक्शन है पर्सनल प्रोनाउन के, तीन केस हैं, इनको हम अलग अलग विस्तार से अलग अलग वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, गेट नॉलेज। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।